अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो जादूगर हैरी कीटन को तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि हाल ही में हमने इनकी एक कमाल की मैजिक ट्रिक रिवील की थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस वीडियो में हम हैरी कीटन का एक और गजब का मैजिक एक्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस मैजिक एक्ट में जादूगर हैरी कीटन शो की होस्ट एलिसन को स्टेज पर बुलाते हैं। स्टेज पर एक बॉक्स रखा होता है। हैरी एलिसन को इस बॉक्स में ऊपर से हाथ डालकर फील करने और बताने के लिए कहते हैं कि इस बॉक्स में क्या रखा है। स्टार्टिंग में ये बॉक्स खाली होता है, लेकिन फिर हैरी इसमें एक ग्लास बॉटल रखते हैं। अब एलिसन से पूछा जाता है कि बॉक्स में उन्हें क्या फील हो रहा है। एलिसन इसका जवाब बिल्कुल सही देती हैं। It's a glass bottle. A glass of bottle. Have a look. You are absolutely right. लेकिन अब हैरी कहते हैं कि वो अपने जादू से एलिसन को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। इसके बाद हैरी इस बॉक्स में एक आइटम रखते हैं और एलिसन को एक एड सुनवाई जाती है। Once they are clean, they shine so beautiful. Clean. इसके बाद एलिसन इस बॉक्स में अपना हाथ डालती हैं और जब उनसे इसके अंदर मौजूद आइटम के बारे में पूछा जाता है तो एलिसन स्पंज कहती हैं। Seems like a sponge. A sponge. लेकिन जब हैरी इस बॉक्स के कवर को हटाते हैं तो वहां एक पत्थर रखा होता है। तो क्या सच में एलिसन को ये पत्थर एक स्पंज की तरह फील हुआ? इसके बाद हैरी फिर से इस बॉक्स को कवर करते हैं और एक दूसरा आइटम इसमें रखते हैं। फिर से एलिसन से इसमें हाथ डालकर बताने के लिए कहा जाता है कि इस बॉक्स में क्या है। एलिसन इस बॉक्स में अपना हाथ डालती हैं और उन्हें एक टेडी बियर फील होता है। It just feels like a stuffed animal. A stuffed animal? Yeah. Like a teddy bear or? Yeah. Or, whatever. Yeah, a little teddy bear. अब हैरी एलिसन को बॉक्स के राइट साइड में आने के लिए कहते हैं और फिर से एलिसन से बॉक्स में हाथ डालने के लिए कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात थी कि इस बार उन्हें बॉक्स में एक हेयर ब्रश फील होता है। Oh, like a hair brush. लेकिन उससे भी कमाल की बात ये थी कि जब हैरी बॉक्स के कवर को हटाते हैं तो इसमें एक कैक्टस रखा होता है। तो क्या एक बार फिर से सच में जादूगर हैरी एलिसन को अपने जादू से इन्फ्लुएंस कर देते हैं? जादू यही खत्म नहीं होता। अब हैरी एक व्हील को रोटेट करते हैं और एलिसन को उसके सेंटर में बने पिक्चर को देखने के लिए कहते हैं। इसके बाद हैरी बॉक्स को कवर करते हैं और फिर इसमें एक आइटम रखते हैं और फिर से एलिसन से इसमें हाथ डालकर बताने के लिए कहा जाता है। इस बार एलिसन को लगता है जैसे बॉक्स में अंगूर और घास जैसा कुछ रखा हुआ है। Grapes and grass. Grape and grass. लेकिन जब इस बॉक्स के कवर को हटाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वाइन से भरा हुआ ग्लास रखा होता है। तो क्या सच में जादूगर हैरी एलिसन को ये ग्रेप्स की पिक्चर दिखाकर हिप्नोटाइज कर देते हैं, या एलिसन जानबूझकर बार बार झूठ बोल रही हैं? अब हम इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानेंगे। उससे पहले अगर आपको हैरी कीटन का ये कमाल का मैजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी और मैजिक रिवील वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस मैजिक एक्ट में सबसे पहले हैरी इस बॉक्स में एक ग्लास बॉटल रखते हैं और एलिसन भी इसे फील करने के बाद सही जवाब देती हैं। इसके बाद हैरी एक पत्थर इस बॉक्स में रखते हैं और फिर एलिसन को एक एड सुनाई जाती है और इसके बाद एलिसन इस बॉक्स में अपना हाथ डालती हैं, लेकिन इस बॉक्स में उन्हें स्पंज फील होता है। असल में इस बॉक्स में पत्थर रखने के समय हैरी इस बॉक्स के साइड में फिटेड फ्लैप को खोल देते हैं। इस फ्लैप के अंदर एक स्पंज होता है जो खुलने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स में आ जाता है। अगर आप एलिसन का हाथ भी नोटिस करें तो ये साफ दिख रहा है कि वो इस हाइट पर रखी किसी चीज को टच कर रही हैं, जबकि पत्थर जो यहाँ नीचे रखा हुआ है उसे टच करने के लिए उन्हें अपना हाथ और अंदर डालना पड़ता। इस तरह एलिसन यहाँ रखे स्पंज को छूकर उसे फील करती हैं और जब एलिसन अपना हाथ बॉक्स से बाहर निकालती हैं तब आप यहाँ हैरी के इस हाथ को देखें तो वो अपने इस हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं। असल में यहाँ हैरी बड़ी चालाकी से बॉक्स के अंदर ओपन किए गए इस फ्लैप को वापस क्लोज कर देते हैं और फिर बॉक्स के आगे के कवर को हटाकर सबको दिखाते हैं और यहाँ सिर्फ एक पत्थर होता है।
इसके बाद जादूगर हैरी नेक्स्ट आइटम बॉक्स में रखते हैं और फिर से एलिसन से पूछा जाता है कि उन्हें बॉक्स में क्या फील हो रहा है। बॉक्स के लेफ्ट साइड से एलिसन को एक टेडी बियर और फिर राइट साइड से उन्हें एक हेयर ब्रश फील होता है। It just feels like a stuffed animal. A stuffed animal? Yeah. Like a teddy bear or? Yeah. Or, whatever. Yeah, a little teddy bear. Oh. Like a hairbrush. लेकिन जब हैरी बॉक्स के कवर को हटाते हैं तो इसमें एक इस तरह का कैक्टस होता है। असल में जब हैरी इस कैक्टस को बॉक्स में रख रहे होते हैं तो उनके हाथ में ना सिर्फ कैक्टस होता है बल्कि एक ब्लैक कलर का टेडी बियर भी होता है। कैक्टस को बॉक्स में रखने के बाद हैरी टेडी बियर को इसके ऊपर रख देते हैं और इसीलिए जब एलिसन इस बॉक्स में अपना हाथ डालती हैं तो उन्हें एक स्टफ्ड एनिमल यानी टेडी बियर फील होता है। इसके बाद हैरी एलिसन को बॉक्स के राइट साइड आने के लिए कहते हैं और यहां से एलिसन को बॉक्स में एक हेयर ब्रश फील होता है। असल में इस कैक्टस के नीचे एक ड्रॉर है जिसमें हेयर ब्रश पहले से ही मौजूद है जिसे हैरी निकाल कर यहाँ ऊपर रख देते हैं और फिर एलिसन से बॉक्स में हाथ डालने के लिए कहते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हैरी इस बॉक्स में रखे टेडी बियर को निकाल कर अपने पास छुपा रहे हैं और फिर एलिसन के बॉक्स में से हाथ को बाहर निकालने के बाद वो हेयर ब्रश को भी वापस कैक्टस के बेस में बने ड्रॉर में डाल देते हैं। इस तरह जब हैरी इस बॉक्स के आगे का कवर हटाते हैं तो इसमें सिर्फ ये कैक्टस होता है। इसके ठीक बाद अगर आप यहाँ देखें तो हैरी वो टेडी बियर जो उन्होंने अपने पास छिपाया था उसे निकाल कर यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हैरी इस व्हील को घुमाते हैं जिसमें ये पिक्चर बनी होती है। अब जादूगर हैरी तीसरा आइटम इस बॉक्स में रखते हैं और इस बार बॉक्स में हाथ डालने पर एलिसन को ग्रेप्स और ग्रास जैसा कुछ फील होता है। लेकिन जब हैरी बॉक्स से फ्रंट कवर को हटाते हैं तो इसमें एक वाइन से भरा हुआ ग्लास होता है। असल में पहले की तरह इस बार भी हैरी बॉक्स में इस साइड बने फ्लैप को ओपन करते हैं जिसके पीछे ग्रेप्स और वाइन्स होता है और इसे ही टच करने के बाद एलिसन सबको बताती हैं कि बॉक्स में ग्रेप्स और ग्रास है। इसके ठीक बाद अगर आप यहाँ नोटिस करें तो हैरी फ्लैप को वापस बंद कर देते हैं। इस तरह जब फाइनली हैरी बॉक्स का फ्रंट कवर हटाते हैं तो इसमें सिर्फ एक वाइन से भरा हुआ ग्लास होता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी मैजिक रिवील वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।